हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम जो क्लास टेंथ की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसका चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डिटेल से आपको समझाते हैं, ताकि अगर आप प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी उनके अंदर जैसे 7th, 8th, 9th, 10th जो भी आपकी क्लास थी उसके अंदर अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आपका हर एक चीज़ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। हर एक क्वेश्चन को ऐसे समझाएंगे कि आप जो है कभी भी उसका आंसर जो है नहीं भूलने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, आपके पास जो है दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, ए का नाम ए है और दूसरे का बी है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। जो ए सॉल्यूशन है उसका पीएच जो है वो 6 है और दूसरा जो बी सॉल्यूशन है उसका पीएच 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों जो सॉल्यूशन है ए और बी इनके अंदर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके अंदर ज्यादा होगी। विच वन ऑफ दीज इज एसिडिक एंड विच वन इज बेस, और इनमें से कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप, मैं एक दो चीज़ें जो आपको बताऊंगा वो याद रखना। हो सकता है मैं क्लास को थोड़ा सा लंबा खींच दूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन आप एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आप लाइफ के अंदर कभी भी इसको नहीं भूलने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। तो आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखना और समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलता हूँ। देखिए कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, देखिए ऐसे कोई स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पे एक हमने मार्क कर दिया सेंटर बिंदु, इस पे मार्क होता है 7 और ये जो पॉइंट होता है ये होता है न्यूट्रल। इससे इस तरफ जो है ये लेस देन 7 है, इस तरफ जो है वो होता है एसिड, इस तरफ ये पीएच का स्केल है ना, और इस तरफ जो है यानी कि मोर देन 7 जो होता है पीएच का अगर मान, तो वहां पर जो है ये होता है बेस। तो अगर पीएच स्केल के अंदर 7 से नीचे है पीएच की जो वैल्यू, इसका मतलब वो है एसिड, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो होगा बेस। ये आप याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रल का अगर आपको कोई एग्जांपल पूछे तो वो आप वाटर लिख देना। इसका एग्जैक्ट जो पीएच होता है वो 7 होता है, इसलिए हम इसको वाटर जो है वो ना तो बेस होता है ना एसिड होता है। तो अगर आपसे कोई ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल पूछे जिसका पीएच 7 हो यानी कि न्यूट्रल हो तो आप वाटर लिख देना। अब बात करते हैं 7 से, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम है तो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा, आप ये याद रखना। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो समझिए। क्वेश्चन के अंदर हमारे को बोल रखा है कि ए जो है उसका पीएच वैल्यू जो है वो है 6 है और बी जो है उसका है 8। पीएच वैल्यू कितना है 8। अब ये देखिए पीएच, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होगा, समझना चीज को बिल्कुल आराम से। पीएच का अगर वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब वो एसिड होगा। तो अब हमारे को यहां पे पीएच वैल्यू जो ए सॉल्यूशन की 6 दे रखा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। और पीएच का वैल्यू जो 8 दे रखा है इनकी मोर देन 7, वो क्या हो गया, वो बेस हो गया। ये तो होती है बात एक। दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं, जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए 6 यानी कि जो ए सॉल्यूशन है उसका 6 है पीएच वैल्यू और बी का है 8। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब समझिए काम की बात, बेस जो होता है जैसे एसिड जो होता है, एसिड का एग्जांपल अगर आप लेंगे तो जैसे HCl, ठीक है, और बेस का अगर आप एग्जांपल लेंगे, बेस का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, बेस का एग्जांपल आप कमेंट में लिखिए, तब तक मैं आपको समझाता हूं। एसिड जैसे HCl जो है,
HCl के अंदर अगर आप इसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, अगर ये आयंस के अंदर टूटा तो कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब एसिड के अंदर जो है वो H प्लस आयन बनता है, एसिड के अंदर H प्लस आयन जो है वो बनता है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम अगर बात करें बेस की, तो बेस के अंदर क्या होता है? OH माइनस जो है वो आयन बनता है, बेस जो होता है उसके अंदर OH माइनस आयन बनता है। तो अगर A सॉल्यूशन है वो एसिड है, इसका मतलब इसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? H प्लस आयन की। और अगर B की बात करें, ये बेस है तो इसका मतलब इसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? OH माइनस की। इसका उल्टा बोले तो इसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी, क्यों? क्योंकि H प्लस की ज्यादा है। इसके अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, क्यों? क्योंकि OH माइनस की है। ये बात समझ में आती है? दोबारा से ठंडे दिमाग से सुनिए, एसिड जो होता है उसके अंदर H प्लस आयन जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और बेस के अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि A और B में से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कौन से सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि जो A सॉल्यूशन है जिसका pH स्केल 6 से कम है, जो एसिड है उसका जो है उसके अंदर जो है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और बेस जो होता है उसके अंदर OH माइनस जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे वो देखिए, दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, एसिड जो होता है उसके अंदर पीएच स्केल 7 से कम होता है और बेस के अंदर 7 से ज्यादा होता है। जैसे ये पीएच स्केल है, मान लो 7 पे सेंटर पॉइंट होता है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, जैसे वाटर इसका एग्जांपल हो गया। अगर 7 से कम है किसी भी सॉल्यूशन का पीएच स्केल तो आप जो है उसको एसिड बोलेंगे, और अगर 7 से ज्यादा है उसका पीएच वैल्यू तो आप उसको बेस बोलेंगे। अब हमारे को दो सॉल्यूशन दे रखा है, ए और बी। ए का जो पीएच वैल्यू है वो हमारे को दे रखा है 6 और बी का दे रखा है 8, यानी कि ए जो है वो तो है एसिड और बी जो है वो है बेस। और एसिड की मैंने आपको बात बताई कि जैसे HCl जो है वो क्या है? एक एसिड है। जब आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये आयंस के अंदर डिसॉल्व होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो H प्लस और Cl माइनस आयन बनेगा। इसका मतलब एसिड जो होता है उसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर H प्लस आयन बन रहा है, और जो बेस होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है OH माइनस आयन की। दो बातें आपको याद रखनी है। तो अगर हमारे को पूछे कि A और B में से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा होगी, जो एसिड होगा, एसिड कौन है? A है, तो A के अंदर जो है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बस आपको यही क्वेश्चन के आंसर लिखना है, क्योंकि आपको यही तो पूछा है कि भाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन विच वन ऑफ द, इसके अंदर एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। मैंने आपको बता दिया कि जो 7 से कम है वो तो एसिड होगा, जो 7 से ज्यादा है वो बेस होगा। तो A जो है उसका पीएच वैल्यू कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, 7 से कम है तो यानी कि वो एसिड होगा। और जो हमारे को B सॉल्यूशन दे रखा है उसका पीएच वैल्यू कितना है? 8 है, यानी कि 7 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया? बेस। तो इस वाले पोर्शन का तो आंसर क्या हो गया? A जो है वो तो हो गया क्या? एसिड, और B जो है वो हो गया बेस। अब हमारे को बोल रखा है कि भाई H प्लस आयन जो है वो कौन से सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगा? जो एसिड होगा। एसिड कौन है? एसिड है A, तो A के अंदर क्या हो गया? H प्लस आयन ज्यादा हो गया। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछे, क्वेश्चन को अगर बदल कर पूछ ले, चेंज करके पूछ ले, तो आपको यह भी याद रखना है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो B के अंदर ज्यादा होती है, यानी कि बेस के अंदर ज्यादा होती है। आंसर कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन A इज एसिडिक इन नेचर। मैंने आपको बता दिया A जो है वो एसिड है, बिकॉज इट्स pH इज लेस देन 6, लेस देन 7, यहां पे 7 नोट डाउन कर लो, 7 से कम है ना, इसलिए
सिक्स तो हमारे को दे रखा है, एंड सॉल्यूशन बी इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट्स पीएच इज मोर देन सेवन, ये सेवन से ज्यादा है इसलिए क्या हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। आल्सो हायर द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन लेसर इन कंसेंट्रेशन ऑफ, तो अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है यानी कि बेस है उसके अंदर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी क्योंकि उसके अंदर तो OH- माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, और इसके अंदर क्या है H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। सो सॉल्यूशन A विल हैव मोर H+ आयन कंसेंट्रेशन, इसलिए जो A है जो एसिड है, मैंने आपको समझा दिया ना अभी, जो एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, और अगर आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि OH- की कंसेंट्रेशन किस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगी तो आप बोलेंगे बेस के अंदर, यानी कि इसका आंसर जो है वो उल्टा कर देंगे। तो आपसे पूछ रखा है कि H+ आयन की कंसेंट्रेशन कौन से सॉल्यूशन में ज्यादा होगी, जो एसिड होगा जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, यानी कि ए जो सॉल्यूशन है उसका जो है वो उसके अंदर जो है H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट और है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए, तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8696608541, या कोई दिक्कत हो तो भी मैसेज कर देना, या फिर आप क्या कर सकते हो, हमारी जो ऐप है शिव ओम क्लासेस नाम से, इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। ओके गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।